क्षेत्रीय कार्यक्रम के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित जिलाध्यक्ष जी। हम लोगों के बीच संघर्ष की ओर से निकले और संगठन को विशेष तरजीह देने वाले पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय लालजी वर्मा जी, हमारे बीच में सम्मानित पूर्व मंत्रीगण, सम्मानित विधायक जी, सम्मानित पूर्व विधायकगण, सम्मानित नेतागण, सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित साथियों, बड़ी खुशी का अवसर है। आज हम सभी लोगों को जिस चीज की जरूरत थी, जिसको पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लेकर के हर जगह प्रभारी के रूप में लोगों को लगाने का काम किया कि बोध कमेटियां तैयार हो जाए, इसलिए कि सामने चुनौती भरा वक्त आने वाला है और उस चुनौती से निपटने के लिए हम लोगों के बीच में आदरणीय लालजी वर्मा जी आए हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथियों, मंचासीन अपने नेताओं का, विशेष करके सभी सम्मानित विधायक पूर्व विधायकों का, सबका विशेष रूप से अपनी तरफ से इस कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी नेताओं पदाधिकारियों का, क्योंकि सामने बैठे वाले जितने साथी बैठे हैं वो किसी नेता से कम नहीं है। और मैं समझता हूं, मैं बताना भी चाहूंगा थोड़ा सा जरूर, आदरणीय मुख्य अतिथि जी सामने जो बैठे लोग हैं, इनकी बदौलत काम करने का अवसर जब हम लोगों को मिल रहा, इनकी बदौलत इस जनपद में दोनों लोकसभा जीतने का काम हम लोगों ने किया था। और साथ ही साथ मैं मछली शहर की सीट हार गया, भले सोच में आता है कि शायद सीटें हार गई वो कोई गलत नहीं हुआ, इसलिए जिसको जिताया जा रहा था वो हम लोगों को छोड़ के बहुत पहले जा चुके। और ऐसी दशा में तिलरा से चुनाव हार गए थे, लेकिन दोनों सीटों को, जौनपुर की सीट लगभग 80,000 से और मछली शहर की सीट 45,000 से, दोनों सीटें जनपद जौनपुर ने जिता दिया था। ये सामने बैठे हुए नेताओं की बदौलत, कार्यकर्ताओं की बदौलत। और साथ ही साथ जब जब चुनौती भरा वक्त आया, उसको हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वीकार भी किया और आवश्यकता पड़ी तो मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, ऐसा हमारे साथियों ने किया। यहाँ पर सिपाही इलेक्शन हो रहा था और यही दो दो तीन तीन बार मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर उतारा और अपेक्षा किया कि हम इस सीट को जीत लेंगे, लेकिन स्वर्गीय पार्थनाथ जी के मरने के बाद उनके बेटे जो आज विधायक थे लकी यादव चुनाव लड़ रहे थे और इन साथियों ने चुनौती को स्वीकार किया और उस सीट को जिता करके पार्टी की झोली में डालने का काम किया। मैं जानता हूं इनकी बदौलत को अभी काम हुआ है कि स्नातक और शिक्षक दो एवंशी जो हमें कभी नहीं मिलते थे, उन एवंशियों को भी इन्हीं साथियों ने जिता करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम किया है। और आज भी जरूरत पड़ी है तो नेतृत्व भी जब आया तो दुर्भाग्य ही रहा कि हमारे तीन विधायक बोल रोड का 500 वोट और मिल गया होता तो तीनों विधायक हमारे जीत गए होते। और हमारे शहर की जिस सीट पर गलती करके लोग बेईमानी करके लास्ट तक जीतते रहे और लास्ट में 2000 वोटों से लोगों ने हरवाने का काम किया, तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनकी ऊर्जा इतनी है कि निश्चित रूप से आप जैसे व्यक्ति को भी जरूरत थी। आप उनके विषय रूप में जहाँ आए हैं, मैं समझता हूँ आपका संदेश पाने के बाद या कहने में कोई संकोच नहीं कि आने वाले समय में दोनों लोकसभा जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का निर्माण करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः सामने बैठे हुए लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए, मंचासीन नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने मुख्य अतिथि का विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कुछ बात आई थी, कुछ गाइडलाइन आपको पहले दी गई है, किन बातों को आप आगे बढ़ाएं, किन बातों को आप आगे न बढ़ाएं। सोशल मीडिया की बात पर विधायक जी ने कहा, उस पर जो चीज आपको मिलती है अगर पार्टी से संबंधित है तब तो उसको आगे भी बढ़ा दीजिए,
किए, अगर पार्टी संबंधित नहीं है तो उसको रोकने का भी काम करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय समाधान।